खबर बिजनौर से। निजीकरण के विरोध में बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सभी बैंक कर्मचारी चले गए, जिसको लेकर बैंक में आए उपभोक्ताओं को पैसे के लेन देन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही। हाथों में स्लोगन लिखी कंप्लेंट लेकर सभी कर्मचारी ने निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। कंप्लेंट पर लिखे स्लोगन है, बैंक जनता की अमानत है और निजीकरण करने वाले हमें आप पर लानत है, जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश और देश के अंदर भाजपा सरकार द्वारा लगातार सभी चीज़ों को निजीकरण में तब्दील किया जा रहा। सरकार के मैनिफेस्टो में बैंक को भी निजीकरण की लिस्ट में शामिल किया। निजीकरण का विरोध लगातार बढ़ रहा। बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने आज निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सभी कर्मचारी गए। बैंक कर्मचारियों का कहना कि निजी बैंक में जनता के पैसे को लेकर कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। फिलहाल सभी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर पहुंचकर निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। मैं संतोष कुमार, यूएफबीयू के बैनर तले जो हम ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कल का प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँगा हमारे क्षेत्र की जो मीडिया है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और पूरा कवरेज करके जो है उसको दिखाया, ताकि जनता को ये समझ आ सके कि ये हड़ताल हम किसके लिए कर रहे हैं। सरकार ने जो ये बैंकों के निजीकरण का रास्ता अपनाया है, उस निजीकरण से हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, हमारे छोटे उद्यमी जो कारोबारी लोग हैं, वो सब उन लोगों को बहुत पीछे धकेलना चाह रही है सरकार। क्योंकि अगर निजीकरण हो गया तो ना तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और ना ही उन लोगों का जो सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ हैं वो कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण कि नोटबंदी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंकों के सामने सड़कों पर लंबी लंबी कतारें महिलाओं की लगी रहती थी, धूप में चिलचिलाती धूप में वो महिलाएं बैठी रहती थी। किस लिए? क्योंकि उनके खातों में सरकार की तरफ से 500 रुपये आए थे। क्या कभी किसी ने कोई प्राइवेट बैंक में इस तरह का खाता अगर देखा हो तो बताइए। इस तरह का कोई खाता प्राइवेट बैंकों में नहीं होता। सरकार की किसी स्कीम का लाभ जनता को प्राइवेट बैंकों की तरफ से नहीं दिया जाता।